कुर्सी के साथ ही एक गुलेल लेकर के बैठे हुए हैं, अपनी कुर्सी के साथ ही हमेशा रखते हैं। कोई ऐसा हमला कोई आपको याद हो या आप पे हुआ हो जो लगता है कि ये जानलेवा हो सकता था? हाँ जी, एक बार हुआ था आपके ऊपर या मेरे ऊपर हुआ था? आपके ऊपर। हाँ जी, बहुत ज्यादा प्रकोप है जी, बहुत ज्यादा। कभी आप पे भी हमला हुआ? मेरे साथ भी हमला हुआ था, मैं वैसे ही खड़ा था, एकदम मेरा कमीज को फाड़ के ले गई, आसा पासा दे दो सारा सामान उठा के ले जी। संख्या में हुए हमला कई बार कर दे जी। नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सत्य पिक न्यूज। फिलहाल इस वक्त बरवाला में मौजूद हूं और बरवाला की आमजन की समस्याएं सुनने के लिए जानने के लिए पहुंचे थे। सबसे पहले और सबसे भारी समस्या निकल कर के आई बंदरों की। पूरा बरवाला शहर बंदरों से बहुत ज्यादा परेशान है, इतना ज्यादा कि अब इन लोगों का जीना दूभर हो गया है। और अंदाजा यहाँ पर बरवाला के घरों में जो बंदर जाल लगे हैं उनको देख ही लगा सकते हैं। फिलहाल एक मेन रोड के पास एक ये दुकान है जो आप देखेंगे, वैसे तो कुछ खाना खाने के लिए है लेकिन बंदर जाल यहाँ पर लगाया गया है ताकि बंदरों से यहाँ पर कोई खास ज्यादा परेशानी ना हो। और ये हाल पूरे बरवाला का है, पूरे बरवाला के लोग जो है बंदरों से अच्छे खासे परेशान हैं। चलिए बरवाला की जनता से बातचीत करते हैं, जानते हैं उनसे कि आखिरकार भाई ये बरवाला में बंदरों का आतंक कब से है, कब से ये लोग परेशान हैं और आखिरकार इन्होंने शिकायत क्यों नहीं की और अगर की है तो फिर उसका समाधान अब तक क्यों नहीं हुआ है। पुरानी अनाज मंडी के चौकीदार मेरे साथ हैं, मुझे ये बताइए कि इस अनाज मंडी में बंदरों का क्या हाल है, कितने बंदर हैं? बंदर बहुत ज्यादा है जी। बहुत ज्यादा है, फिर भी कोई गिनती अंदाजा कुछ थोड़ा बहुत? हजारों की संख्या में हो गए। हजारों की संख्या में सिर्फ इसी सब्जी इसी अनाज मंडी में है या फिर पूरे बरवाला का यही हाल है? ज्यादातर मंडी में घूमे जी। ज्यादातर मंडी में है और बाकी बरवाला में? बरवाला में पहुंच रहे हैं जी, थोड़े बरवाला में भी पहुंचे हुए। क्या कभी किसी पर हमला करते हैं, किसी की तरफ भागते तोड़ते हैं? हमला कई बार करते हैं जी, कई बार कर देते हैं। शिकायत की है क्या यहाँ के लोगों ने मिलकर? शिकायत भी करी होगी की है। फिर क्या कोई समाधान हुआ उसका? ना जी, अब तक कोई समाधान नहीं। बरवाला में बंदरों का क्या हाल है? बहुत ज्यादा प्रकोप है जी, बहुत ज्यादा। कभी आप पे भी हमला हुआ? मेरे साथ भी हमला हुआ था, मैं वैसे ही खड़ा था, एकदम मेरा कमीज को फाड़ के ले गई। कमीज फाड़ करके ले गई? आपको तो चोट नहीं आई होगी? नहीं, मेरे को चोट नहीं आई। अगर चोट आ जाती, बुड़का लग जाता तो चोट भी आ जाती। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मतलब हमला सिर्फ आप पे हुआ या आसपास के लोगों पर रोज ही का काम है? होता ही रहता है जी, कभी किसी पे, कभी जनानी पे, कभी किसी को, कोई केड़े लेके जा रहा है, कोई सामान लेके जा रहा है, उसका लूट ले। बच्चों की अगर बात करें तो बच्चों पर भी बहुत ज्यादा होता है, बच्चों पर हमला होता है? सुरक्षित है बच्चे? वैसे तो बचाव में है, सबको, सबने अपनी अपनी जगह वो जाल लगा रखे हैं। हाँ, बताइए यहाँ बंदरों का क्या हाल है, कितने बंदर हैं? बंदर बहुत ज्यादा परेशान करते हैं और बंदर बहुत ही खतरनाक है यहाँ के, मतलब आदमी को खाने को भाजते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि आपकी तरफ भागे हो या आप पे हमला किया हो? हाँ, दूसरा तीसरा दिन भागते रहते हैं, दूसरे तीसरे दिन भागते रहते हैं। कभी कंप्लेंट की है, शिकायत की है कभी? नहीं, शिकायत नहीं करी कभी। अंकल जी, दुकान सामने आपकी है क्या, जो लड्डू रखे हुए मुझे नजर आ रहे हैं? अच्छा, तो फिर बंदर कभी परेशान करते हैं क्या? बंदर बहुत ज्यादा परेशान करे जी, मड़ा अभी आसा पासा दे दो सारा सामान उठा कर ले जाए। कभी ऐसा हुआ है कि आपका सामान उठा कर के ले? हर रोज वो देखो, अभी मैं इधर आया हूँ, बिल्कुल वो देखिए कि वो ये थोड़ा सा इधर आए हैं और सामने बंदर जो है इनके पानी के जो डब्बे रखे हुए हैं उनके अंदर फिलहाल जो है पानी पीने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है दुकान के अंदर भी चला जाए? घुस जाए जी, अंदर घुस है, अंदर घुस जाते हैं हर रोज। कब से ये परेशानी हो रही है आप लोगों को? दो तीन साल हो गई, दो तीन साल से परेशान है। कोशिश की किसी को शिकायत करने की? किसी कमेटी में तो कहा है जी, कई बार उन्हें पकड़े भी है, कई बार 20-30 बंदर पकड़ा है और छोड़ दे है, बाकी कोई समाधान नहीं हो रहा, स्थाई समाधान नहीं है इसका। बंदर बहुत है जी, 500-700 कम से कम, 500-700। अच्छा, हाँ जी। तो क्या कभी कोई परेशानी होती है बंदरों से आपको? बंदरों से बहुत परेशानी है जी, आतंक रहो बंदर को, आतंक रहता है। हाँ जी, बच्चे भी बाहर नहीं लगते, डरते बच्चों को भी भय रहता है। आप खाने की यहाँ पर रेडी लगाते हैं तो कभी ऐसा हुआ है कि आपके खाने की जो सामान है उसकी तरफ उन्होंने झपट्टा कभी लगाया हो? हाँ जी, काफी बार ले गए, पापड़ी भी ले जी, आलू भी ले जी, यानी कि आपके खाने का सामान भी यहाँ से उठा ले जाते हैं? उठा ले जाते हैं। ठीक है, कभी किसी को शिकायत करने की कोशिश की कभी आप? शिकायत तो कई बार करी है जी, कोई गौर नहीं करता, कोई गौर नहीं करता ना जी। ठीक है, तो अभी कोई ऐसा हमला कोई आपको याद हो या आप पे हुआ हो जो लगता है कि ये जानलेवा हो सकता था? हाँ जी, एक बार हुआ था आपके ऊपर? मेरे ऊपर हुआ था जी। आपके ऊपर? हाँ जी। ठीक है, घर पे ही जी।
ठीक है, तो मतलब ये बंदर जो है सिर्फ नई अनाज मंडी में है या पूरे बरवाला का हाल ही है? ये बरवाला में पूरा हाल है जी, पूरे बरवाला का हाल ही पूरा बुरा हाल है। अपनी कुर्सी के साथ ही ये गुलेल लेकर के बैठे हुए हैं। इनका कहना है कि ये गुलेल जो है यहाँ पर बंदरों के लिए लेकर के बैठे हैं, अपनी कुर्सी के साथ ही हमेशा रखते हैं क्योंकि अक्सर जो है बंदर कभी इनकी तरफ भागते हुए नजर आते हैं तो कभी किसी और की तरफ भी भागते हुए नजर आते हैं। तो काफी आतंक प्रकोप जो है बरवाला शहर के अंदर और खासतौर से अनाज मंडी के अंदर फैला हुआ है बंदरों का, और हालांकि अभी तक बरवाला प्रशासन जो है इसमें कोई भी कार्रवाई करने में सक्षम नहीं रहा है। हाँ, इक्का दुक्का पर देखा गया है कि कुछ बंदरों को यहाँ से पकड़ करके दूसरी जगह छोड़ दिया जाता है, मगर ठीक ढंग से निस्तारण या जो है इस मामले से छुटकारा बरवाला की जनता को अब तक नहीं मिल रहा है। ये खबर यहीं तक, आगे भी बरवाला के मुद्दे लगातार यूं ही उठाती रहूंगी। देखने के लिए जुड़े रहिए सिटी पिक न्यूज़ के साथ। नमस्कार।